डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सारांश है और मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, एक न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ और उसके लिए कहानियाँ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको लग रहा होगा एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, उनके पास प्रेस का कार्ड बना होता है जिसके सहारे वो कहीं भी घुस सकते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं होती। आपको क्या पता कहानियां ढूंढने के लिए, न्यूज ढूंढने के लिए हमें कितना दर दर भटकना पड़ता है। कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटर उस खबर को पहले ले आते हैं और हम बहुत देर कर देते हैं। कभी कभी वहां पर हम न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और खुद ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि खुद को निकाल नहीं पाते। आपने सुना ही होगा कई जर्नलिस्ट मारे जाते हैं क्योंकि उनके शब्द कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। हमेशा डर के माहौल में रहना पड़ता है और मैं भी एक ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जो नई नई न्यूज़, नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए 2 साल पहले से ही इस काम को करना शुरू हुआ हूँ और अभी तो मेरे लिंक बनने शुरू हुए हैं। कई लोग मुझे खबर दे देते हैं और फ़ोन पर जब भी ये बात मुझे पता चलती है बहुत खुश हो जाता हूँ। हमें पैसे भी उसी आधार पर मिलते हैं। न्यूज़पेपर में किस किस की कितनी खबर छपती है उससे ही हमें पैसे मिलते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ न्यूज़ चैनल भी आ चुके हैं, वो पहले खबर को कवर कर लेते हैं और कभी कभी हमें कुछ भी मिल नहीं पाता। मैं यही काम करने के लिए अब नई नई न्यूज़ ढूंढना शुरू हो गया था। लोगों को आजकल मसाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मसाला ढूंढने के लिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, कई प्राचीन ऐसे शिलालेख पाए जा चुके हैं जो 2000 साल पुराने माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो प्राचीन काल का हो लेकिन अब तक खोजा नहीं गया हो, मैं उसकी तलाश में था। हमारा ये राज्य बहुत ज़्यादा आबादी वाला नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जिसमें 100 से भी कम लोग रहते हैं और ऐसे गाँव में जाकर अपने लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बात करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग बाहर वालों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मसाले वाली खबरें ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। इसी तरह मैं एक गांव में पहुंचा, वहां पर पूछने लगा कि यहां कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। ऐसी खबर ढूंढने के लिए मुझे कभी कभी वहां पर एक रात बितानी भी पड़ जाती थी और आज भी मैं इसी गाँव में रहना चाहता था। लोग तो बहुत अच्छे थे, यहाँ की प्राचीन कहानियाँ सुना रहे थे, किंवदंतियाँ सुना रहे थे, यहाँ वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं वो दिखा रहे थे, हर कोई खुश मिजाज था। लेकिन जैसे ही रात ढली उन्होंने मुझे डरावनी डरावनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कहा, यहाँ ऐसे गाँव भी मौजूद हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता या सब लोग उस गाँव को छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे गाँव में जो भी कुएँ होते हैं उसमें भूत पाए जाते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, कुओं में मैंने कोई भूत सुना ही नहीं है। तो उन गांव वालों ने कहा, नहीं, कुएं में भूत पाए जाते हैं और कई लोग ऐसे भूतों की आवाज़ें तक सुन चुके हैं। मैंने कहा, कोई ऐसा गांव आप जानते हैं जहां पर मैं जाकर ऐसे भूत को देख पाऊं? मेरे मन में काफ़ी ख्याल आ रहे थे, किसी भूत की खबर अगर अखबार में छप गई और मैं अच्छे खासे सबूत इकट्ठे कर पाया तो बहुत कामयाबी मिल जाएगी, ये तो मैं करना ही चाहूँगा। वहाँ उन्होंने मुझे कुछ गाँव के बारे में बता भी दिया था, लेकिन चेतावनी भी दे दी थी कि उन गाँव में कोई रहता नहीं और वहाँ कुएं से दूर ही रहना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसी मसालेदार खबर से दूर कैसे रहा जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए अगली सुबह 6 बजे मैं निकल पड़ा था। यहाँ कई घाटियाँ थी, उन्हें पार करने के बाद ऐसे कई गाँव आ रहे थे जिसमें लोग रहा तो करते थे लेकिन उनकी संख्या 30 से भी कम थी। ऐसे गांव में भी मैं पूछता जा रहा था और वो भी बता रहे थे, यहाँ कई ऐसे गांव थे जहाँ कुएं पाए जाते थे और उन कुओं को भर दिया गया। अब ऐसे भूतिया कुएं को मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं अकेला वहाँ घूमता जा रहा था और एक ऐसे गांव में पहुँचा जहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था।
टूटे फूटे से घर थे और मेरा जवाब देने वाला कोई वहां मिल ही नहीं रहा था। एक 17 साल का लड़का वहां पर मुझे दिखा। वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। पहले तो वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था और काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसे समझाया, अपनी जानकारी दी तो वो मुझे पहचानने लगा और कहने लगा, आप काफी मसालेदार खबरें छापते हैं, आपकी खबरें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैंने भी कह दिया, इन्हें ढूंढना और भी ज्यादा मजेदार होता है, इसी तलाश में मैं यहां पर आया हूं। क्या यहां पर कोई कुएं का भूत है? ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और मुझे कहने लगा था, देखिए इन चीजों के बारे में पता मत कीजिए, आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, देखो मैं भूतों से डरता नहीं, लेकिन भूत पैसे कमाने का अच्छा तरीका बन सकते हैं। वो कुछ लालची सा लग रहा था। जैसे ही मैंने पैसों की बात की, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। भूतों से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? मैंने कहा, मसालेदार खबरें छापकर। मैं देखो कैसी कैसी कहानियां छापता हूँ, कैसी कैसी खबरें ढूंढ कर लेकर आता हूँ, और उसमें थोड़ी सी मुसीबत का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन पैसे मैं अच्छे कमा लेता हूँ। तो वो लड़का भी मुझसे पूछता जा रहा था, क्या वो भी इस तरह पैसे कमा सकता है? मैंने कहा, हाँ जरूर, तुम भी पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा भूत है जिसे मैं देख पाऊं, तो तुम भी पैसे कमा सकते हो, और पूरी कहानी मुझे बता देना। जो भी पैसे बनेंगे उसका 50% मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वो सोच में पड़ गया था। वो डर तो रहा था, लेकिन मुझे कह रहा था, आप कोई गलती तो नहीं करेंगे ना? वहां मैं आपको भूत तो दिखा दूंगा, लेकिन उससे दूर रहना, उसके करीब मत जाना, वो बहुत डरावने होते हैं, और अगर उन्हें कोई इंसान करीब से देख ले या छू ले तो वो शक्ति सोख लेते हैं, आपकी शक्ति भी सोख सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हें जानकारी बहुत है, और ये जानकारी भी होगी कि वो भूत कहां पर है। अब उसने नजरें झुका ली थी, लेकिन लालच ने उसके अंदर वो जोश भर दिया था जो उसके मुंह से वो शब्द बाहर निकाल रहा था। उसने कहा, हाँ मैं जानता तो हूं, लेकिन पैसे अच्छे मिलने चाहिए, मैं 2000 रुपए लूंगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, देखो पैसे तो तुम्हें मैं 4000 दे दूंगा, लेकिन काम पूरा करना होगा। 4000 सुनकर उसकी आंखें और खुल गई थी, और उसने कह दिया था, मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगा, लेकिन चेतावनी है, जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा आप करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। मैंने भी हामी भर दी थी। उसके बाद मेरे पास छोटा सा एक कैमरा था। मैंने सोच रखा था कि उस भूत की तस्वीर खींचने की कोशिश करूंगा, और उस लड़के ने भी कह दिया था, आपको रात के 8 बजे का इंतजार करना होगा, मैं यहीं पर मिलूंगा और आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह पर जहां आपको भूत खुद देखने को मिलेगा, लेकिन चेतावनी याद है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बार बार मत बोलो, अब 8 बजे मिलते हैं। उसके बाद मैं वापस उसी गांव में आ गया, और वो गांव वाले पूछ रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ पर घूम कर आया हूँ। मैंने भी कह दिया, आसपास के गांव की तस्वीरें खींची हैं, यहाँ पर सड़कें बनेंगी और मैं सरकार से बात करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे से आवभगत की थी मेरी, और दोपहर का खाना भी खाया था मैंने। रात का खाना मैंने 7 बजे ही खा लिया, और 7 बजे उस गांव से निकल पड़ा था मैं उसी लड़के से मिलने के लिए। उस लड़के ने मुझे बताया था कि वो वहीं पर मिलेगा, और उसी जगह वो पहले से खड़ा था जब मैं वहां पहुंचा। समय 7:45 का हो चुका था, और उसने इशारा कर दिया था उस तरफ जाना है। उसके हाथ में भी एक टॉर्च थी और मेरे हाथ में भी एक टॉर्च थी। अंधेरे रास्तों में हम आगे बढ़ रहे थे। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी। ये सड़कें भी बहुत कच्ची सी थी और कई जगह बहुत ज्यादा फिसलन थी। जिन गांव में हम जा रहे थे वहां रहने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए डर बहुत ज्यादा लग रहा था। वो लड़का भी कमजोर सा था, उसकी बाजुएं काफी ज्यादा पतली थी। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लालच आपसे क्या नहीं करवाती, उस लड़के से भी ये सब करवा रही थी। धीरे धीरे हम चलते रहे और 7:15 के करीब एक पुराने से गांव के पास पहुंचे। वहां काफी कम घर थे, लेकिन हर घर को घुन लगा हुआ था। हर लकड़ी गीली लग रही थी। काफी ज्यादा पेड़ वहां पगडंडियों पर उगे हुए थे, और उन घरों के अंदर से इस तरह से पीपल के पेड़ निकले हुए थे कि घर को बांधा हुआ था, यानी उन ईंटों के बीच से वो जड़ें निकली हुई थी। उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक कुआं बना हुआ था। वो कुआं काफी चमकीला सा लग रहा था, यानी जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो काफी चमकीला और काले रंग का था। जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे, आसपास की ईंटें भी बहुत ज्यादा गीली थी।
ये इस बात का सबूत था कि वो कुआं शायद भरा हुआ होगा। उस कुएं के पास पहुंचते ही एक हल्की हल्की आवाज सी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कराह रहा हो, लेकिन वो आवाज भी काफी भीनी भीनी सी थी। किसी जानवर की भी लग रही थी, इंसान की भी लग रही थी। वो लड़का भी अब मुझे इशारे करने लगा था। आपको चेतावनी देता हूं, अंदर जाने की कोशिश मत करिएगा। वहां एक रस्सी बनी हुई है, रस्सी से आप अंदर जरूर जा सकते हैं, लेकिन जाने की कोशिश मत करिएगा, वो आपको बहका सकता है। मैंने भी उस लड़के से कह दिया, नहीं नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी बातों पर यकीन करो। अब उस कुएं के हम करीब पहुंच गए। ऊपर से टॉर्च मारी और नीचे नजर आ रहा था एक इंसान। उस इंसान का मुंह जैसे चिपका हुआ था, होंठ ऐसा लग रहा था आधे चिपके हों और आधे मुंह से वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आवाज एक ही तरह की निकल रही थी, कर्र। ऐसी आवाजें बार बार उस कुएं से आई जा रही थी। वो लग तो इंसान रहा था, लेकिन सिर्फ ऐसी ही आवाजें निकाल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बेचारा सा लग रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, तरस मत खाइए, ये बहकाते हैं और आपको अंदर खींच सकते हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए। उस टॉर्च की रोशनी में मैंने जेब से अपना वो कैमरा निकाला और उस भूत की तस्वीरें खींचने लगा। बड़े आराम से मैं तस्वीरें खींच रहा था और वो भी छलांगे लगाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। उस लड़के ने रस्सी बिल्कुल ऊपर तक खींच रखी थी और उसने कहा था, कुएं में इस तरह भूत ऊपर तक चढ़कर नहीं आ सकता, उसकी मदद मत करना, अगर वो ऊपर आ गया हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ गया था, लेकिन बार बार वो टोक टोक कर कहे जा रहा था जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो गलती कर दूंगा। बहुत सारी तस्वीरें खींची थी मैंने और मेरे कानों में भी दर्द होने लगा था। एक ही आवाज, कर। वो कैसा भूत है जो इस तरह की आवाजें निकालता जा रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, क्या आपने तस्वीरें खींच ली, तो यहां से चलें। मैं अब अच्छे से तस्वीर खींचना चाहता था और उसके लिए कुएं के ऊपर चढ़ना पड़ता। मैं कुएं के ऊपर चढ़ना तो चाहता था, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें खींची हैं उसे ही अच्छी तरह से देखना चाहता था। मैंने उस कैमरे में तस्वीरें चेक की। अमूमन मैंने सुना है भूतों की तस्वीरें कैमरे में आती ही नहीं, लेकिन उसकी साफ साफ तस्वीरें आई हुई थी। वो रो रहा था, बार बार हाथ जोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो कोई गूंगा इंसान हो जो इस कुएं में गिर गया हो। लेकिन अब तक जिंदा कैसे है, और यहाँ क्या ऐसे ही भूत पाए जाते हैं? ये सवाल मैंने उस लड़के से किया था और उस लड़के ने भी घबराते घबराते कहा था, देखो आपको तरस आ रहा है, ये ऐसे ही फंसाते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं ऊपर से तस्वीर तो खींचना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैं भी वापस मुड़ चला। अब वो लड़के के साथ मैं वापस आ गया था और उसी जगह जहाँ वो लड़का मिला था वो अपनी तरफ चल पड़ा और मैं अपनी तरफ चल पड़ा। उसने बस यही कहा था, जब आपको पैसे देने होंगे मैं यहीं पर मिलूंगा, यहाँ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आया होता हूँ, जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं इकट्ठा करता हूँ और साथ में जो आगे लाल रंग के घरों वाला गांव है वहाँ पर मैं रहता हूँ। अब मैं उसी गांव में आ चुका था और ये रात का वक्त था। उन गांव वालों ने जैसे ही मुझे देखा वो भी घबरा गए थे। अरे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा मैं कुएं वाले भूत को देखने के लिए गया था। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनका डर मैंने वो तस्वीरें दिखाकर दूर कर दिया। मैंने जैसे ही उनको वो तस्वीरें दिखाई वो कहने लगे, ये कैसा भूत है, ये तो इंसानों की तरह दिख रहा है, हमने कभी भी इस तरह के भूत के बारे में नहीं सुना। वैसे किसी ने हिम्मत भी नहीं की थी कुएं के अंदर झांकने की। अब मैं उन्हें समझाने की कोशिश तो कर रहा था कि ये भूत है, लेकिन जब गाँव वाले ही नहीं मान रहे थे तो बड़े लोग कैसे मानेंगे? ऐसी खबर तो न्यूज़पेपर में छप ही नहीं सकती। अच्छी तस्वीर चाहिए होगी मुझे, मुझे उस भूत को तड़पाना होगा, उसे ऐसे रूप में पहुंचाना होगा जिसमें उसकी तस्वीर खींच पाऊं, फिर सब कुछ सही होगा। दोबारा मुझे वहां पर पहुंचना होगा और तस्वीर खींचनी होगी। ये रात के 12 बजे का समय हो गया था और मैंने सोचा कल जाकर आऊँगा। रात को मैं सो गया और पूरा दिन सामान इकट्ठा करता रहा। कई घरों से मैंने गंगा जल लाने की कोशिश तो की, लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे। इस गांव का सरपंच, उसने मुझे एक बोतल भर कर गंगा जल की दे दी, इसी के साथ कुछ ऐसा सामान भी दे दिया जो भूतों को भगाने के लिए काम में आता है। उस सामान को लेकर अब मैं शाम के वक्त फिर से उसी गांव की तरफ निकल पड़ा था। सबसे पहले तो मैं उस लड़के को देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां पर वो लड़का मिलता था,
आज वो वहां पर मौजूद नहीं था। मैं कुछ समय उसका इंतजार करता रहा। समय 7 बजे का था और अंधेरा होना शुरू हो गया था। मैंने सोचा चलो अकेले ही वहां पर चलता हूँ, गलती तो मैं करूंगा नहीं, वहां जाकर तस्वीरें खींचकर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मैं चलता चलता उसी कुएं के पास पहुंच चुका था। अब कुएं के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं डर गया, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया गया। लेकिन कुएं के अंदर झांकते ही वो आदमी मुझे कुएं के अंदर दिखा। वो मुझे देखकर फिर से कुछ बोले जा रहा था, जैसे कर कर, यही आवाज। उसका मुंह तो अलग दिशा में हिल रहा था, लेकिन आवाजें बार बार ऐसी ही आ रही थी। उसके बाद मैंने गंगा जल उसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। पूरी बोतल खाली कर दी थी और वो गीला तो हो गया, लेकिन उसे दर्द तक नहीं हुआ। भूत प्रेत भगाने वाली हर चीज को वहां पर मैं फेंकता गया। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस एक ही आवाज में मुझे कहता कर कर। ये आवाज से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया था और अब मैं उस कुएं के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो गया। अब मैंने वो रस्सी पकड़ ली थी, क्योंकि अगर मैं उस रस्सी को ना पकड़ता तो शायद मैं अंदर गिर भी सकता था। एक तरफ वो रस्सी बंधी हुई थी और अब मैं उस पर वो गंगा जल और ज्यादा छिड़क कर उसकी तस्वीरें खींचना चाहता था, लेकिन वो रूप ही नहीं बदल रहा था। मैं उस पर चिल्लाने लगा, अगर तुम भूत हो तो अपना रूप दिखाओ, इस तरह इंसानों के रूप में यहां पर क्यों हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुमसे पैसे कमाना चाहता हूं और उसके बदले में तुम्हें भी वो दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, मुझे वो रूप दिखाओ, मुझे एक भयानक सी खबर चाहिए। मैं वहां तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं संभल ही नहीं पाया। उस रस्सी को जरूर मैंने पकड़ रखा था, लेकिन मेरा पैर फिसल चुका था। उस रस्सी में हाथ घिसटते गए और मैं उस कुएं के नीचे जाता गया। अगर वो रस्सी ना होती तो मैं धड़ाम करके कुएं के अंदर गिर जाता। बस रस्सी को पकड़ते पकड़ते नीचे तक पहुंचा था और रस्सी नीचे से लगभग 7 फुट ऊंची थी। वहां हाथ से रस्सी छूटी और उसके बाद सीधा मैं नीचे उस भूत के ऊपर गिर पड़ा। और वो भूत भी कराह रहा था, लेकिन आवाज वैसी ही कर कर। इसके बाद मैं ऊपर देखने लगा, ये किसने मुझे धक्का दिया। वो लड़का ऊपर खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे क्यों गिराया, और मैं भूत के पास पहुंच गया। वो भूत बेचारों की तरह रो रहा था और मुझे बस एक ही चीज कहे जा रहा था, कर कर। और उसके बाद मैं ऊपर देखकर उस लड़के से बात करने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां नहीं फंसना है। मेरी आंखों के सामने उस लड़के ने अपना चेहरा बदला था। वो एक छलावा था, एक छलावा जो मुझे यहां पर लेकर आया और मुझे कुएं के अंदर तक पहुंचा दिया। उसे देखता रह गया था मैं और बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से बस एक ही आवाज निकल रही थी, कर कर। मैं बस यही आवाज निकाल पा रहा था। मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करता, बस यही आवाज निकलती, कर कर। मैं सारी बात समझ गया था। वो छलावा लोगों को यहां लाकर फंसाता है, जैसे इसे फंसाया है। मैं भी अब यहां पर फंस चुका था और उसी की तरह पीड़ित होकर वो आवाज निकाल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। हंसता हंसता वो वहां से चला गया और मैं आवाजें लगाता रहा, मदद के लिए कोई नहीं आया। 2 दिन बाद गांव वाले वहां पर आए थे और मेरा वो साथी जिसे मैं भूत समझ रहा था वो मरने के कगार पर था। हम आपस में भी बात नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद गांव वालों ने हम दोनों को बाहर निकाला था। गांव वाले भी इसलिए मदद करने आए थे क्योंकि मेरी टीम मुझे ढूंढ रही थी, और जब मेरी टीम गांव तक पहुंची थी तो गांव वालों ने बताया था कि साहब तो उस गांव की तरफ जाते थे, वहां कुएं को देखने जाते, कहते वहां पर भूत है। तब जाकर मुझे वहां से बाहर निकाला गया था और 2 दिन लग गए थे मेरी आवाज सही होने में। जब गांव वाले मुझसे कुछ पूछ रहे थे, शुरू शुरू में बस वैसी ही आवाज कर कर। और 2 दिन बाद मेरी आवाज सही हुई और मेरे उस साथी की आवाज भी सही हुई जिसे मैं भूत समझ रहा था। उसे भी उस छलावे ने इसी तरह फंसाया था। पास के ही एक गांव से वो इस तरह लड़कर यहां पर निकल आया था और उस छलावे ने यहां लाकर उसे फंसा दिया था, जैसे मुझे फंसाया था। आज भी मैं इस घटना को याद करता हूं तो बहुत डर लगता है। और लाल घरों वाला गांव कभी ढूंढ ही नहीं पाया जहां उस छलावे से बदला ले पाता।
लेकिन कहते हैं वैसा ही छलावा आसपास के गांव में नजर आता है। कुएं के भूतों की जानकारी इसके बाद में जुटा ही नहीं पाया। क्या वो छलावे लोगों को फंसाकर वहां भूतों की तरह दिखाते हैं या सच में कुएं के भूत भी होते हैं? शायद भविष्य में मुझे इसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन अब तो मेरी कहानी सिर्फ इस छलावे की ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक वैद्य का काम करता हूँ। मेरे पिताजी भी एक वैद्य थे और मेरे दादाजी भी एक वैद्य थे। मेरे पिताजी ने मुझे ये जानकारी दी कि कैसे जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। मेरे पिताजी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, लेकिन मैंने अपना ये पुश्तैनी काम संभाला और आज भी कर रहा हूँ। लेकिन समय के साथ इसकी डिमांड कम होती जा रही है। एक ज़माना हुआ करता था कि वैद्य पर लोग बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे, लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि वैद्य के पास लोग बहुत कम आते हैं और ये दवाइयाँ बनाना इतना आसान नहीं होता। कुछ जड़ी बूटियाँ तो बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए खुद जंगल में जाना पड़ता है, कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है, कई कबीले वालों से मिलना पड़ता है, पहाड़ों का सफ़र करना पड़ता है और तब जाकर वो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जब काम ही इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है तो खर्च निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं जंगलों में जाकर उन जड़ी बूटियों को ढूंढ कर आता हूँ और उनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, लेकिन अब घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल भी देता है। मैंने अब नया काम भी इसी के साथ शुरू कर लिया है। दूर दूर के देशों से कई जड़ी बूटियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन जड़ी बूटियों को मैं जंगलों से ढूंढ कर लाता हूँ। भले ही उनसे दवाइयाँ नहीं बना पाता, लेकिन उन जड़ी बूटियों को बेचकर भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसीलिए मैं जंगलों में जाना शुरू हो चुका हूँ और वो जड़ी बूटियाँ ढूंढता रहता हूँ और उन्हें बेचकर कमाई कर लेता हूँ। अब घर का खर्च ठीक ठाक चलने लगा है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसी आदत के कारण कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। मेरे पास शहर से कई कस्टमर आया करते थे। पहले तो वो दवाइयां लिया करते थे, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। उन्होंने अपने साथियों को भेजना शुरू कर दिया और जब उन्हें पता चल गया इन जड़ी बूटियों में कुछ शक्तियां हैं जिससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो उन्होंने डिमांड बढ़ा ली उन जड़ी बूटियों की ही। मेरी दवाइयों का जैसे उन पर असर नहीं होता या उन्हें पसंद नहीं आती, वो उन जड़ी बूटियों से खुद के लिए नई दवाइयां बनाना चाहते थे। तो मैं उनके लिए अब वो जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। ये शनिवार का दिन था जब शहर से मेरा एक कस्टमर आया था और उसने एक ऐसी डिमांड कर डाली थी जो मुझे पता ही नहीं था। उसने कहा था, आपको पता है एक जानवर की हड्डियों से भी दवाई बनाई जा सकती है जिससे बुढ़ापे से निपटारा किया जा सकता है। मैंने कहा, ऐसे किसी जानवर की हड्डियों से बुढ़ापे को दूर नहीं किया जा सकता। तब उसने कहा था, है एक जानवर जो अपना रंग रूप बदल सकता है और उसकी शरीर में जितनी हड्डियां हैं उसमें शक्ति होती है, उसके इस्तेमाल से हम भी बुढ़ापे से बच सकते हैं। मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, आयुर्वेद में बुढ़ापे से बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। हम उम्र लंबी कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे से नहीं बच सकते। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, तो मैंने कह दिया, ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जिसकी हड्डियों से बुढ़ापे को दूर किया जा सके। उसने कहा, है, लेकिन वादा करो किसी से बात नहीं करोगे। मैंने भी वादा कर दिया और उससे पूछा, कौन सा जानवर है? उसने कहा, छलावा। ये नाम सुनते ही मैं हंसने लगा। अरे, तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? छलावों को पकड़ोगी कैसे? हड्डियां तो दूर की रहीं, ये बस कहानियां हैं। कहानियों वाले जानवर असली नहीं होते। उसने कहा, होते हैं। उनके पास कई ऐसे छलावों की हड्डियां आई हैं जो उन्होंने खुद देखी हैं। उनके पास छलावों की लाशें हैं। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी और उन तस्वीरों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। ऐसा जानवर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और ब्लैक मार्केट में छलावे की लाश बहुत महंगी बिकती है और इस पर कोई केस भी नहीं होता क्योंकि ऐसा जानवर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर किसी का मानना है ये जानवर होता ही नहीं, ये तो भूत प्रेत और किस्से कहानियों में ही होता है। मैंने कह दिया था, ऐसे जानवर को मैं ढूंढ नहीं सकता। उसने कहा, तुम तो जंगलों में जाते हो,
और राज्यों में भी जाते हो, तुम्हें तो पता होगा कहां से छलावों को पकड़ा जा सकता है। पूरी दुनिया में छलावे बहुत छिप कर रहते हैं, कहीं भी एक से ज्यादा मिलते ही नहीं, और गलती से एक मिल जाए तो खुद को खुशकिस्मत समझ लेना। मैंने कहा, मैं नहीं पकड़ सकता, मैं ऐसे किसी किंवदंती वाले जानवर को नहीं पकड़ सकता। ये फोटो किसकी है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कीमत बताई थी 10 लाख। तुम्हें एक छलावे की लाश का 10 लाख मिलेगा। मैं वो बात सुनकर सन्नसा हो गया था। इतने पैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। सारी परेशानियां दूर हो सकती थी, और कीमत इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है? क्या सच में छलावे होते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ होते हैं। तुम जंगलों में जाते हो, ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आते हो जो कोई ढूंढ ही नहीं सकता, कैसे कर लेते हो? मैंने कहा, मेरे लिंक है कई राज्यों में, और भी कई वैद्य हैं, वो जंगलों में जाते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। हर राज्य में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। मैंने उनसे संपर्क बना रखा है और उनसे पूछता हूं कि ये जड़ी बूटी चाहिए, वो मुझे जंगल का रास्ता बता देते हैं, वहां जाकर मैं जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आता हूं। लेकिन माफ करना, मैं बता नहीं सकता कौन से जंगल में कौन सी जड़ी बूटी मिलती है। उसने कहा, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन अपनी जानकारी को बढ़ाना शुरू करो, वैद से पूछो, जहां तक संपर्क हैं वहां तक पता करो। एक लाश छलावे की 10 लाख में बिकेगी, और मैं तुम्हें उससे थोड़े ज्यादा बोनस के रूप में भी दे सकता हूँ, 50,000, वो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी उससे कुछ कमाऊंगा और तुम्हें भी फायदा करवाऊंगा। ये बात कहकर वो वहां से चला गया था। अब मेरी आंखें चमक गई थी, तस्वीर मैंने देखी हुई थी, मन को भरोसा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फोन घुमाना शुरू कर दिया। जितने भी जान पहचान वाले वैद थे देश में, हर राज्य में मेरे दोस्त फैले हुए थे, वो भी वैद का काम करते थे, और उनसे पूछना शुरू कर दिया। कुछ मुझ पर हंसते और कुछ मना कर देते, लेकिन असम में एक पुराने गांव में बैठे वैद से जब मेरी बात हुई, उसने मुझसे कह दिया था, छलावों से दूर रहना, हमारे यहाँ छलावे पाए जाते हैं, और कहते हैं उसकी चंगुल से बचना बहुत मुश्किल होता है, एक छलावा रंग रूप बदल सकता है, तुम उसकी चंगुल से कैसे बचोगे? मारना तो दूर की बात, वो तुम्हें मरने पर मजबूर कर देगा। उस वैद्य की बातें सुनकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि छलावा कहां पर पाया जाता है। उससे थोड़ी सी सख्ती में बात की और उसने कहना शुरू कर दिया, हाँ यहां पर छलावे का एक गांव है, एक पुराना उजड़ा हुआ गांव, उसके आसपास छलावे को देखने की बात की जाती है। माना जाता है कि वहां बहुत कम लोग रहते हैं, ज्यादातर डरकर भाग चुके हैं, उन्हें छलावा नजर आता है, किसी किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी किसी को मार भी देता है, लेकिन फिर भी वो गांव वाले बड़े हिम्मत वाले हैं, वहां से डरकर नहीं भाग रहे हैं। अगर तुम्हें छलावे को देखना है तो वहां जा सकते हो। मैंने कहा, बताओ मुझे पता, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वो वैद्य मान ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे 1500 रुपये दिए, वो बड़ी आसानी से मान गया। मैं सीधा पहुंच गया असम, उसी गांव में। मैं सबसे पहले उस वैद्य से मिला, उसे पैसे दिए और उसने भी मुझे एड्रेस दे दिया। जंगल के बीच में था वो इलाका, और वहां चलकर जाने में लगभग 8 घंटे लगते। वहीं जंगल से मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं इंतजार कर रहा था उन चिन्हों का जिससे मैं पहचान कर पाता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। उसने मुझे कहा था कि तुम गाँव में रात के वक्त ही पहुँच सकते हो, अगर यहाँ से रात के वक्त चलना शुरू किया तो रास्ते में तुम्हें भयानक से भयानक जानवर मिलेंगे, इसीलिए बिल्कुल सुबह सुबह चलना शुरू करना। जब तुम चलते जाओगे तो शाम तक वहाँ पहुँच ही जाओगे, लेकिन अंधेरे में उस गांव में पहुँचोगे तो उनसे मदद मांग लेना, वो बहुत अच्छे गांव वाले हैं। मैंने खाने पीने का सामान लिया, कुछ औजार लिए, कुछ हथियार लिए, और निकल पड़ा जंगल में उस छलावे की तलाश करने के लिए। जैसा उस वैद्य ने कहा था, 8 घंटे चला था मैं, 2 नदियों को पार किया था, घने जंगल को पार किया था, और एक गांव तक पहुंच गया था। वहां लोग अपना अपना काम कर रहे थे, उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, और मुझे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। आसपास लकड़ी काटने का काम चल रहा था और उन्होंने वो काम छोड़ दिया और मेरी तरफ भागते हुए आए, मेरे कपड़ों को देखकर हैरान थे। मैंने उन्हें कहा, मैं शहर से आया हूँ, तो वो मुझे समझाने लगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर एक छलावा है जो लोगों को मार देता है, ज्यादातर वो उन लोगों को मारता है जो बाहर से आया होता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने भी उनसे कह दिया था, देखो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, बल्कि शिकार करना चाहता हूँ उस छलावे का, मैं तुम्हारे लिए भी उस छलावे को मार सकता हूँ अगर तुम कुछ पैसे दे दो।
हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, वो घबरा गए थे। और उसके बाद उस गांव का मुखिया मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, ठीक है हम तुम्हें 500 रुपए दे सकते हैं, अगर तुम उस छलावे को मार दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मैं अब ये जानना भी चाहता था कि छलावे को मारा कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा था छलावे को किसी भी हथियार से मारा जा सकता है, बस पहचान करनी बहुत मुश्किल होती है, और यहाँ पर जो छलावा है वो ताकतवर भी बहुत है। आम तौर पर छलावे ताकतवर नहीं होते, एक छोटा सा धक्का उन्हें दे दो और वो गिरकर मर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छलावा है वो बहुत ताकतवर है, वो आपसे युद्ध तक कर सकता है, और कई लोगों को उसने पटक पटक कर मारा है। शाम का वक्त तो हो चुका था और गांव वालों से मैंने ये भी पता कर लिया था कि वो छलावा नजर कहाँ पर आता है। इस गाँव के बाहर जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर बड़े बड़े लंबे पेड़ लगे हुए हैं, उसके पीछे लोगों को छलावा नजर आता है। पास में ही गांव वालों ने शमशान घाट बना रखा है। आमतौर पर छलावा रात के वक्त वहां पर नजर आता है 12 बजे के करीब, और लोगों पर हमला करने की कोशिश भी करता है। लेकिन गांव वालों ने यह बताया था कि छलावा रात के 12 बजे सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। चांद की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो उसका असली शरीर बाहर आ जाता है, वो बहुत कमजोर होता है, उसे तब मारा जा सकता है। लेकिन गांव वालों का ये भी मानना है कि यहाँ पर छलावे को मारने से पाप लगता है। कोई भी गांव वाला उस छलावे को मारने की इसीलिए हिम्मत नहीं करता, और हर कोई सोचता है कोई बाहर से आया उसे मार दे। मैं यही काम करने के लिए आया था और दोनों तरफ से फायदे में था। इसके बाद मैं रात का इंतजार करने लगा। कुछ समय मैंने गाँव में ही इंतजार किया, और गाँव वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए ढेर सारा सामान दिया, पेट भर कर खाया था मैंने, तब भी सामान बचा हुआ था। वो तो कहे जा रहे थे पेट भर कर खा लेना, उसके बाद उससे युद्ध करने की स्थिति भी आ सकती है, और 12 बजे ही युद्ध करना, वो कमज़ोर होगा, सर पर मारना आसानी से मर जाएगा, बस उसकी बातों में मत आना। मेरे पास एक बंदूक थी और डर ज़रा भी नहीं लग रहा था। डरता तो मैं तब अगर ये गन मैं किसी इंसान पर तानता। इंसान को मारने पर हमें सज़ा हो सकती है, किसी जानवर को मारने पर हमें सज़ा हो सकती है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता था। लेकिन एक छलावा तो भूत प्रेत होता है, उसे मारने से डर काहे का, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ पैसा कमाने के लिए। मैं रात का इंतज़ार करता रहा और 12 बजे के करीब मैं उसी शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं शमशान घाट के पास पहुँचा, आस पास से परछाइयाँ सी बननी शुरू हो गई थी। गाँव वालों ने बताया था जैसे ही वो सामने आए सबसे पहले उसे धक्का देना, धक्का देने के बाद वो गिर जाएगा और तब उस पर हमला करना, सबसे आसानी से वो मर सकता है। मैं हमला भी इस बंदूक से करूंगा ताकि आसानी से उसे मारा जा सके। मैं यहाँ एक पेड़ के पीछे छिप गया, आसपास से आवाजें आती जा रही थी। मैं भागकर अब उसका पीछा करना चाहता था, और आवाज़ जिस तरफ से आती मैं उस तरफ से भाग लेता। मैं भागता जा रहा था और हाँफने लगा था, कभी तो आवाज़ एक पेड़ के ऊपर से आनी शुरू हो जाती, कभी किसी पेड़ के पीछे से आनी शुरू हो जाती, कभी शमशान घाट के अंदर से आनी शुरू हो जाती, तो कभी उस फसल के बीच से आनी शुरू हो जाती। मैं उस छलावे को देख ही नहीं पा रहा था, और ये मेरे लिए मुश्किल वाली घड़ी थी। 12 बजे तो वो कमज़ोर होना चाहिए, इतनी आसानी से किसी पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है, नज़र तक नहीं आ रहा, हो क्या रहा है यहाँ पर। 15 से 20 मिनट तक मैं भागता रहा था, डंडा लेकर दूर दूर फेंकता, जहाँ पर भी आवाज़ आती उस तरफ पत्थर मारने लगता, लेकिन किसी को लगता ही नहीं। बहुत समय बाद मैं थक चुका था, एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और कहने लगा, जहाँ पर भी है तू मेरे सामने आने की हिम्मत कर, तब तुझे बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और थकी हुई आवाज़ में उसे जैसे परेशान करने के लिए इस तरह हिम्मत दिखा रहा था। तब चलता हुआ अंधेरे से वो बाहर आया था, मेरी आंखों के सामने छलावा अपने भयानक रूप में था। उसका कद 7 फुट था, उसकी टांगें बहुत लंबी थी लेकिन धड़ बहुत ज़्यादा छोटा, 1 फुट से भी ज़्यादा छोटा उसका धड़ था। टांगें लंबी, बाजुएं लंबी और बड़ा सा सर, भयानक सा चेहरा था, और मेरे करीब आते ही वो जैसे मेरे चेहरे की तरह दिखना शुरू हो गया। वो मेरा प्रतिबिंब बन चुका था, और अब मेरी आवाज़ में ही मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, हिम्मत है तो सामने आओ। वो मेरी नकल करने लगा था, मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। तभी मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया, दूसरी तरफ पहुँच गया था। उस तरफ भी मैंने धक्का देने की कोशिश की, वो वहाँ से भी गायब हो गया।
कैसा शक्तिशाली छलावा है, इसका मुकाबला कैसे करूंगा मैं? मैं घबराना शुरू हो गया था। मुझे गांव वालों ने बताया था कि 12 बजे छलावा कमजोर होता है, लेकिन ये तो बहुत ताकतवर नजर आ रहा था। तभी एक बार वो वहां से गायब नहीं हो पाया और मैंने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इतना जोर से धक्का मारा था मैं पीछे गिर गया था। तब मुझे उसकी शक्ति का एहसास हुआ था। वो एक भारी बैल के आकार में आ चुका था, अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। जेब से मैंने वो बंदूक निकाली और उस बैल पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली चली ही नहीं। मैंने राउंड फायर करने की कोशिश तो की, लेकिन गोलियां थी ही नहीं, किसी ने मेरे बंदूक की गोलियां निकाल ली थी। अब वो मुझे धक्का देने की कोशिश करता रहा और उठा उठा कर पत्थर मेरी तरफ मार रहा था। बार बार अपना आकार बदल लेता, कभी भेड़िया बन जाता, कभी चीता बन जाता। वो मेरे पीछे भाग रहा था और मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, और मैं भी डर कर अब आगे भागने लगा था। अब मुझे अपनी जान बचानी थी, इस छलावे का शिकार नहीं किया जा सकता, बहुत शक्तिशाली है, तभी तो इतना महंगा है। अब मैं क्या करूं? मैं सीधा गांव की तरफ भाग लिया। गांव के बिल्कुल बीच में पहुंचकर मैं ऊंची आवाज में कहने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। गांव वाले बाहर आ चुके थे, उन्होंने भीड़ बना ली थी और मैं इशारा कर रहा था, मेरे पीछे छलावा पड़ चुका है, मैंने उसका आकार देखा है। गांव वाले मेरी तरफ घूरे जा रहे थे और मुखिया सबसे आगे आकर कहने लगा, सच बताओ, तुमने क्या छलावे को ही देखा है? मैंने कहा, हाँ, सच में मैंने छलावे को देखा है। मुखिया हंसने लगा, झूठ, छलावे को कैसे देख सकते हो, यहाँ पर छलावा मौजूद ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं, छलावा है। फिर मुखिया कहने लगा, हाँ, छलावा तो है और वो तुम्हारे पीछे था। वो मुखिया अजीब अजीब बातें किए जा रहा था और मैं पहले से हांफ रहा था और कह रहा था, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे उस छलावे से बचाइए। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर एक चेहरा मेरे जैसा, 100 लोग थे वहां पर, हर कोई मेरे जैसे कपड़े पहने हुए, मेरे जैसा चेहरा। उन्होंने बार बार अपना रूप बदला था, कभी बैल बन जाते, कभी सांप बन जाते, हर कोई छलावा था। ये छलावों का गांव है और मैं यहाँ फंस चुका था। उन्होंने मुझे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। तब उस मुखिया ने कहा था, जिंदा तो छोड़ नहीं सकते, अगर कोई हमारा शिकार करने के लिए आया हो और उसे हम जिंदा छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं छलावों का दुश्मन नहीं हूँ। मुखिया कह रहा था, छलावों को मारने वाला छलावों का दुश्मन ही तो हो सकता है। अगर कोई छलावा तुम्हारे पीछे पड़ा होता, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा होता, बचने के लिए तुम किसी छलावे को मार देते, हमें गुस्सा नहीं आता, वो तो तुम्हारा कर्म होता। लेकिन शिकार, वो भी छलावों का, हम ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं रो रो कर उनसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो मुझे माफ़ करने की हालत में नहीं थे, मुझे जान से मारना चाहते थे। रो रो कर मैंने कहना शुरू कर दिया, लेकिन मैं किसी छलावे को मारना नहीं चाहता था, पैसों की लालच ने मुझसे ये करवाया। तब सब शांत हुए और मुझसे पूछने लगे, कैसे? मैंने कहा, शहर से मेरा एक कस्टमर था, उसने कहा था छलावों की हड्डियों से ऐसी औषधि बन सकती है जिससे कोई बूढ़ा नहीं होता। उनकी आंखें चमक गई थी और उन्होंने मुझसे सारे सवाल किए, मैंने सब जवाब दिए, सब कुछ बता दिया था उन्हें। इसके बाद मेरे सर पर अचानक दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा सर पकड़ रखा हो और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने गांव में था, असम से दूर बिहार पहुंचा हुआ था। ये 2 दिन बीत चुके थे, मैं बेहोश ही रहा था, और यहाँ जिंदा कैसे छूट गया मुझे नहीं पता। मेरे गांव के लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं, और मैं भी बताने की हालत में नहीं था, मेरी पिटाई हुई थी, वो भी बेहोशी की हालत में। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि मैं जिंदा बच गया था, अब मैं दोबारा किसी छलावे का पीछा नहीं करूंगा, छलावे तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन उस दिन जब मैंने अखबार पढ़ी थी, मेरे होश उड़ गए थे। मेरा वो कस्टमर जो मुझे छलावे के पास भेजकर छलावे की लाश चाहता था, वो अपने शहर में मारा गया, किसी ने रात को उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बाद उसी शहर में तस्करी वाले भी पकड़े गए जो जानवरों की हड्डियों की तस्करी कर रहे थे। वो पकड़े तो गए थे, लेकिन उसी रात लॉकअप में किसी ने उन्हें मार दिया था।
बहुत सारे लोग एक रात मारे गए थे और हर कोई उस तस्करी से जुड़ा हुआ था। कोई जिंदा नहीं बच पाया था और पुलिस ये ढूंढती रही थी किसने मारा उन्हें। कोई सबूत नहीं मिला था। कई तस्वीरें जारी हुई थी और हर तस्वीर में कोई अलग आदमी ही होता। कुछ आदमियों की पहचान हुई लेकिन कभी भी ये केस आगे नहीं बढ़ पाया। कोई नहीं जानता किसने उन्हें मारा था। लेकिन मैं इन सब से दूर था और आज भी मैं ये मानता हूँ मुझे उन्होंने जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं किसी छलावे का शिकार करने के लिए नहीं बल्कि लालच के लिए गया था और इसमें जुड़े हुए हर इंसान को उन्होंने मारा था। वो रूप बदल सकते हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं आज भी उनसे डरता हूँ। किसी छलावे का नाम सुन लूं तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं।